तो जैसे मान लो कि मैंने शायद अपने यहाँ पे जो चीजें थी जो कि मैंने मुझे क्योंकि लोन लेना था तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मुझे तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन है तो प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन पे जाएंगे। सिंपली मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है फिर उसके बाद जो आधार कार्ड जो मैंने चूज किया है तो क्योंकि मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे सेटअप करने के लिए चूज किया तो जाहिर है हमें अपना आईडी कार्ड देना। वेलकम दोस्तों, लोन पाओ यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक ऐसा लोन एप्लीकेशन जहां से आपको कम लोन अमाउंट से लेकर ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल यानी कि ऐसा इंटरेस्ट रेट पे यानी ऐसा ब्याज दर पे लोन मिलेगा जो आपके लिए ज्यादा महंगा भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही कम हो, एकदम मीडियम में रहेगा कि आप लोग उसको बड़ी आसानी से पे कर पाओगे। और साथ ही में लोन आपको काफी लंबे समय के लिए दिया जाएगा जिसमें आप लोग अपने लोन जो आप ले रहे हो जितने भी अमाउंट का लोन उसको बड़ी ही आसानी से चुका पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लोन को लेने में। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तब आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होगी अबाउट लोन्स के बारे में और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। बस एक काम आप लोगों को करना है वो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर लोन अप्लाई करके ही दिखाएंगे, उसके बाद जो उस एप्लीकेशन से हम लोग लोन अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन को कैसे आप लोग अपने फोन में ले पाओगे या फोन में कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल जो भी करना है वो कैसे करोगे इसके बारे में भी सब बताएंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं कि कैसे लोन लेना है आपको। इस लोन ऐप लोन एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेना है, जैसे आपको कंटिन्यू इन इंग्लिश पे जाना है या फिर आप जो हिंदी में भी अगर जाना चाहते हो तो हिंदी में भी चूज करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद ये आपके सामने चीजें आएंगी जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। और सबसे पहला काम होता है सेटअप योर अकाउंट का, जहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे ओके करना है एंड इसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन जो भी चीज है वो कंप्लीट करके आप आ जाओगे मेन होम पेज पे जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो सबसे पहले क्योंकि आपका अकाउंट अकाउंट सेटअप हो चुका है बट अभी तक आपने लोन जीरो दिख रहा है यानी अभी तक कोई लोन लिया ही नहीं है तो आपको अप्लाई फॉर लोन इन 2 मिनट स्टेप हियर टू गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये कुछ एनालाइजिंग करेगा, यहाँ पे मिनिमम 500 से 65 हजार के बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा लोन। तो जो लोग सोचते हैं कि 500 रुपए तक का लोन नहीं मिलता, स्टार्टिंग नहीं होती 500, 600, 700, 800 तक के लोन की, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग हो जाती है पर देखने वाली बात ये होती है कि आप कितने रुपए के लिए एक्चुअली में एलिजिबल है। तो यहाँ पे स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन पे आपको जाना है, जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट परमिशंस है वो यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस कर देना होगा। और याद रहे इस बीच में चीजें जैसे कि जो भी परमिशन आप यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, इसके बाद होता यह है कि जैसे ही अलाउ करेंगे तो आपके मे बी पैन कार्ड वगैरह सेटअप अकाउंट करने के लिए जो है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कुछ चीजें देखी जाती है, उसके बिहाफ पे आपको लोन ऑफर्स मिलता है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लो कि मैंने शायद अपने यहाँ पे जो चीजें थी जो कि मैंने मुझे क्योंकि लोन लेना था तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मुझे तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन है तो प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन पे जाएंगे। सिंपली मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है फिर उसके बाद जो आधार कार्ड जो मैंने चूज किया है तो क्योंकि मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे सेटअप करने के लिए चूज किया तो जाहिर है हमें अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं एंड फाइनली हमें अपना आधार कार्ड जैसे वेरिफिकेशन कर लेंगे थ्रू द डिजी लॉकर, वो जैसे ही एक्सेस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमें जो है आधार कार्ड का फ्रंट ऑफ योर आधार कार्ड की फोटोग्राफी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्लिक करके भी अपलोड शायद में भी करना पड़ता है। एंड इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चीज में भी शायद पैन कार्ड के होगा, जहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन में आप पैन कार्ड को भी इस्तेमाल मुझे लगता है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई आईडी में जैसे नाम भी डालना है और पैन कार्ड का जो अपना 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर है वो डाल के येस सबमिट पैसे करेंगे। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में वो डाल के सबमिट करना है एंड बाकी की चीजें जो कि आपको लगता है कि वेलकम टू ब्रांच में आएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूरा नाम जो है वो डालना होता है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर मेल, आपको जेंडर बतानी है, फिर इसका जो भी चीजें ये सब चीजें आपको बेसिकली कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सारी चीजें जैसे सिटी, पिन कोड, स्टेट और बाकी सब चीज डाल के टिक मार्क करके कंटिन्यू करना पड़ेगा और ये चीज सबसे पहले होती है। जी हाँ, ये चीज सबसे पहले होगी जो आपने आधार वेरिफिकेशन देखा, शायद उससे भी पहले हो सकती है। उसके बाद ही आपका जो अपना आइडेंटिटी टाइप चूज करके आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद इनकम टाइप के लिए आपको बतानी है कि सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फिर मंथली इनकम आपको बताकर आपको फाइनली मंथली इनकम जो भी आपके रेंज में आता है वो चूज करके आपको बताना है कि जो लोन का पैसा है वो कौन से बैंक अकाउंट में किस बैंक अकाउंट नंबर पे सेंड करें तो बैंक नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर डाल के आपको सिंपली भरना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंसिपल देख पाते हो बट आपके केस में हो सकता है कि आपको मूलधन कितनी किसी और रुपए का भी हो तो वो आप चूज कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे देख सकते हो 15,000 का लोन है तो लोन टर्म चूज कर सकते हो कितने समय के लिए चाहिए। देन इसके बाद आपका प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेशन दिख जाएगा कि प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह, डिसबर्समेंट अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा और टोटल देना कितना होगा, वो सब देख के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड इसी बीच में फिनिश योर लोन एप्लीकेशन का भी सेगमेंट आएगा जिसमें आपको एनरोल करना है ऑटो डेबिट के लिए भी, हो सकता है इस बीच में आपको जो है लोन एग्रीमेंट सैंक्शन जैसी चीजें भी कंप्लीट करवाई।
तो ये तो आपने फुल प्रोसेस देखा है जिसके अंदर हो सकता है इमेजेस थोड़ी इधर उधर हो गई हो, क्योंकि इमेजेस कैप्चर करके मुझे आप वीडियो में दिखाना पड़ता है आप लोगों को। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बहुत मिनिमम लोन अमाउंट को भी आप ले सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट तक की रेंज को भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमने ये सारी चीजें करी, किस एप्लीकेशन है वो हम सबसे पहले बता देते हैं। इसके लिए जैसे आप इस वीडियो को देख चुके, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज कर लेना, एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो। और सबसे पहले बताता हूँ कि दो तरीके हैं इस एप्लीकेशन को पाने के। एक तो जैसे वीडियो जो ये टाइटल है, जो कि इसी वीडियो के टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, तो वेबसाइट लिंक मिलेगी। सबसे पहले आपको उस पर ही क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही पहुंचेंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम मिलेगी आपको कैटेगरीज जिसमें आपको ऐप लोन पे जाना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको एप्लीकेशन से ही तो लोन लेना है। इसके बाद आपको तमाम तरीके की वो लोन ऐप की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको जाना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको डालना है ब्रांच, क्योंकि हमने ब्रांच पर्सनल लोन ऐप से तो लोन लिया है। इसके बाद ये कंटेंट मिलेगा, कंटेंट को ओपन करना है। इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, जैसे तमाम जानकारियां मिल जाएगी। इसके बाद आपको विजिट का लिंक मिलेगा, जिस विजिट का लिंक आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप पहुंचोगे आप लोग ब्रांच पर्सनल लोन ऐप के ऑफिशियल वेब पेज पे। और यहाँ पहुंचने के बाद देख सकते हो, तो इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो एक तो ये वे है, यहाँ तक आने का इतना लंबा इसलिए बताया क्योंकि देखो, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप से लोन लेने से पहले अगर आपको इसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे भी मिल जाएगी, और पूरे लोगों ने भी जो आपसे पहले लोन लिया होगा उनका फीडबैक, रिएक्शन या जो भी चीज है वो आपको थ्रू द आर्टिकल्स इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी बात कि आप सीधा, दूसरा तरीका ये भी है कि सीधा ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, और आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी फॉर लोन लेने के लिए। बता दूं कि यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेकर 2 लाख के बीच में लोन मिल जाता है, और 2 से 4% का जो है आपका यहाँ पे हो सकता है इंटरेस्ट रेट हर महीने का लगे, और 62 डेज से लेकर 12 महीने का आपका ज्यादा से लोन चुकाने का समय मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरा ऑफिशियल सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज के लिए माफी चाहता हूँ, जो इमेजेस आगे पीछे हुई हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत पहले आनी चाहिए थी लेकिन बहुत लेट आई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, देख लो बाय।